Pakistan has been enduring severe monsoon weather since June of this year, which has brought rainfall nearly three times the national. One third of Pakistan remains underwater more than a week after. A third of Pakistan is underwater. That's according to the country's climate change minister. The province of Balochistan has never seen. नेचर ने अपने आप को बचाने के लिए नाले में कूद गया, सब उसको पकड़ के निकाल रहे। बेहतरीन ड्रेस, पैंट ब्लैक कलर की, कॉटन की प्रेस हुई भी शर्ट और ब्लैक शूज पहना हुआ है, पॉलिश हुआ हुआ। इसका मतलब ये डकैतों का लिबास होता है? नहीं, 30-35 हज़ार रुपए कमाने वाला आम शहरी होगा। शहर में आपको ज़रूरतमंदों का एहसास करने वाले तो नज़र आ ही जाएंगे, लेकिन उनकी मदद के लिए कदम बढ़ाने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। मैं 30-40 किलोमीटर या 25-50-60 किलोमीटर का सफर पैदल करके पानी के अंदर इतने इतने पानी में अपने बच्चों को कंधे पे बैठा के सर के ऊपर चरपाई रख के लेकर पहुंचूं किसी एक सड़क तक और वहां बैठा रहूं 4 दिन तक कि मेरे लिए खाना आएगा, खाना आएगा, खाना आएगा, घास खिला दूं बच्चों को, खाओ बेटा। इतने 500 पे और हम 500 में कामयाब हो गए आज रात में, तो हम हफ्ता इतवार से डेली 1000 ट्रक पे वर्किंग करेंगे। क्योंकि अगर मैं कहता हूँ डेली 5000 ट्रक भी निकलेंगे इन तमाम मुतासिर इलाकों में, शायद हम पहली दफ़ा उनके पास कुछ लेके पहुँचेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम सैयद जफर अब्बास है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। JDC फाउंडेशन में एज अ जनरल सेक्रेटरी अपनी खदमत अंजाम दे रहा हूँ। 2010 के सैलाब में जिस वक्त बहुत मुश्किल हालात थे, अताबाद से पानी का एक रेला चला जो सिंध के कोनों कोनों तक पहुंचा और बड़ी तबाही मचाई इसने। इस वक्त हमने इस इदारे को तरतीब दिया डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तौर पर और हमने ना सिर्फ लोगों को पका हुआ खाना, खुश्क राशन, उनको मच्छर कुश स्प्रे, दवाइयाँ, मेडिकल कैंप्स, गर्म कपड़े ये फराहम किए, बल्कि हमने कोशिश की कि उनके घरों की मुंतकली में भी हम जिस हद तक उनका साथ दे सकते हैं फाइनेंशियली तौर पर उनका साथ दें। 2011 में हमने कोशिश की एम्बुलेंस सर्विस मुतारिफ़ कराई जाए जिसके अंदर वेंटिलेटर की सहूलत मौजूद हो और इसके ऊपर आज तक काम जारी है और बहुत सारी हमारे पास ऐसी एम्बुलेंसेज अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हैं। हमने ओल्ड एज होम का क्याम अमल में लाए, ऐसे ओल्ड एज होम जहाँ पर बुजुर्गों को इसलिए ना रखा जाता हो कि लोग इनकी मजबूरी और मुफलिसी देख कर अतियात दें, नहीं, उन बुजुर्गों को एक अच्छी जिंदगी फराहम की जाए, उनको अच्छे कमरे दिए जाएँ जहाँ पर टीवी हो या जो भी उनका लिविंग स्टैंडर्ड हो, जिस माहौल से रहते थे, जहाँ से उनको निकाला गया है, उन गमों को भूल जाएँ और एक अच्छी जिंदगी उनको फराहम दिया। JDC में आने की वजह भी यही थी कि मैं पहले यहाँ पर आया, यहाँ का एटमॉस्फेयर मैंने देखा। ज़ाहिर है कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो ज़ाहिर है कुछ फैमिली से जो है ना आपकी अनबन होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बाद ही बहुत से लोग जो है ना यहाँ पे हमने देखा कि वो शेल्टर होम वगैरह का रुख करते हैं। मेरा नाम शहजाद। लाइफ का स्टार्ट ऐसे हुआ कि अबू धाबी में मैंने एक इंटरनेशनल बैंक मैंने ज्वाइन किया, तो आई वर्क देयर फॉर 17 ईयर्स और बड़ा अच्छा वहाँ पर एक्सपीरियंस रहा। देन आई केम बैक टू पाकिस्तान। यहाँ आने के बाद फिर जफर साहब से कई दफ़ा हमारी मुलाकात हुई, तो यहाँ पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर और भी लोग होंगे तो उनसे बातचीत होगी, दिल लगेगा और टाइम अच्छा गुजरेगा, और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। यहाँ पर मेरे पास लैपटॉप है, मैं लैपटॉप को मैं फुली इस्तेमाल करता हूँ और इसका जो नेट वगैरह है वो सब JDC प्रोवाइड करता है। एंड आई हैव बीन रियली वेरी मच इंस्पायर्ड बाय दिस मैन। यतीम खाने हो, JDC के दस्तरखान हो, JDC की बकरीद पे कुर्बानी बराए मुस्तहकीन हो, JDC की 12 रबीउल अव्वल को बैनुल मज़ाहिब कौमी मिला।
हमारा सारा दिन हमारी कोशिश है, जितने हमारे फ्री डायलिसिस सेंटर बन चुके हैं और जितने बन रहे हैं, तो वहां पर आने वाले मरीजों को अगर उनके पास खून की कमी के इंजेक्शन लगवाने के भी पैसे नहीं है तो वो भी उनको बिल्कुल मुफ्त फराहम किया जाए। हमारे यहाँ डायलिसिस बिल्कुल मुफ्त किया जाता है, क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी महीने के 2 लाख या 1.5 लाख रुपए के डायलिसिस नहीं करवा सकता, वो सालाना 18 लाख रुपए के डायलिसिस नहीं करवा सकता। हमारी कोशिश है लोगों की जानें बचाने के लिए, जिस हद तक भी कोशिश कर सकते हैं हम कर रहे हैं। 40 साल बाद हमने गवर्नमेंट से एक जमीन ली जहां पर मुसलमानों के लिए मुफ्त कब्रिस्तान का ऐलान कर दिया। कब्रिस्तान अपने आखिरी मराइल में आ चुका है, इंशाल्लाह जल्द तदफीन के लिए खोल दिया जाएगा।